सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है। जूनियर इंजीनियर पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है और साथ ही जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी शुरू कर दिया गया है। एक और अच्छी बात ये है कि इस भर्ती के जरिए करीब 1000 जूनियर इंजीनियर पदों को भरा जाना है। तो अगर आपने भी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन किया है या फिर 3 सालों का डिप्लोमा लिया है ना, तब भी आप दोनों ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस फटाक से ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहां पर जाना होगा और यहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो इसकी और डिटेल्स क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको ये सब जानना है ना तो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज बात हो रही है जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के बारे में। SSC ने जूनियर इंजीनियर पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहां पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ 18th of April तक का टाइम है, इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपने भी मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में 4 सालों का बीटेक किया हुआ है या फिर 3 सालों का डिप्लोमा लिया है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर ये करना होगा कि फॉर्म भरते वक्त जो आपकी मैक्सिमम एज है ना वो 30 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग जो उम्र सीमा है उसमें भी छूट दी जाएगी। तो किस वर्ग को कितनी छूट मिलने वाली है इसकी जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में भी बता देते हैं। सो अगर आपको जूनियर इंजीनियर पदों पर सिलेक्ट होना है तो आपको 2 पेपर देने होंगे यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप इन दोनों पेपर्स में सफल हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में जिन भी उम्मीदवारों का नाम होगा उनके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। और बात अगर हम सैलरी की करें तो सिलेक्शन के बाद लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है हर कैंडिडेट को, यानी कि 35,400 रुपये से 112,400 रुपये तक की सैलरी। तो आपको आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है, देर नहीं करनी है क्योंकि आखिरी तारीख के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए सरकारी नौकरी का ये मौका बहुत अच्छा है, करीब 1000 पदों को भरा जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट SSC JEE रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट और ऐसे ही नोटिफिकेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।